नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति को होती है। भगवान विश्वकर्मा का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती कहा जाता है। इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और मशीनों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वकर्मा पूजा करने से खूब तरक्की होती है और कारोबार में मुनाफा होता है। ये पूजा विशेष तौर पर सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों द्वारा की जाती है। इस दिन अधिकतर कल कारखाने बंद रहते हैं। बात करें विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता की, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्गलोक, सोने की लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। ये पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कलाकार, शिल्पकार और व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वालों के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। विश्वकर्मा की पूजा विधि। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को मंदिर में विराजित किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। वैवाहिक लोग अपनी पत्नी के साथ विश्वकर्मा भगवान की पूजा करें। हाथ में फूल चावल लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। पूजा में दीप, धूप, पुष्प, गंध सुपारी का प्रयोग करें। फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ विश्वकर्मा जी की मूर्ति या फोटो पर फूल चढ़ा कर कहें, हे विश्वकर्मा जी, आइए मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इसके बाद सभी औजारों पर तिलक और अक्षत लगाएं, फिर फूल चढ़ाकर और सतनजा का कलश रख दें और अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन करने का विधान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।